किसान आंदोलन में शामिल एक शख्स को जिंदा जला दिया गया है और यह आरोप किसान आंदोलन में शामिल लोगों पर ही लगा है। पिछले साल 26 नवंबर को आपको याद होगा ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था, बहुत ही पवित्र मकसद के साथ शुरू हुआ, लेकिन तब से लेकर अब तक कई आरोप इस किसान आंदोलन पर लग चुके हैं। पहले सिलसिला जानिए। सबसे बड़ा आरोप इस आंदोलन पर लगा कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के दिन पर लाल किले पर उपद्रव इन्हीं किसानों ने मचाया, उन्होंने भड़काया लोगों को। दूसरा आरोप ये लगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध का, जिसमें एक महिला ने बलात्कार का आरोप किसान आंदोलन के ही लोगों पर लगाया था। तीसरा आरोप ये लगा कि कोरोना नियमों का पालन ये किसान नेता, किसान आंदोलनकारी हरगिज नहीं कर रहे हैं। चौथा आरोप लगा सड़कों को जाम कर देने का और उसके बहाने अपनी मांग मनवाने के लिए ब्लैकमेल करने का। और अब पांचवा आरोप जो कि बेहद संगीन लगा है, मुकेश नाम के शख्स को जिंदा जलाने का। ये पांचवा और आखिरी आरोप बेहद संगीन है क्योंकि बात एक इंसान को जिंदा जलाने की हो रही है। इस पर बात गृह मंत्रालय तक पहुंच चुकी है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अन्नदाता के आंदोलन में क्या घुस गए हैं अपराधी? कितने दिन से किसान आंदोलन में शामिल है? ये तो अमूमन आते रहते थे, ये कह रहे करीब अब मैं पीछे 10 दिन से पहले आया हुआ हूँ यहाँ पे। क्या जिंदा जलाकर भड़काई जा रही है आंदोलन की आग? ये सवाल बहादुरगढ़ की घटना के बाद उठ खड़े हुए हैं। दिल दहलाने वाली इन धुंधली तस्वीरों में दिख रहे शख्स का नाम है मुकेश। जिंदा जला देने के बाद ये मुकेश का आखिरी वीडियो है। रतना आप लाई आ गए को न लाई दी तरह दौड़े लटाड़े ना कित गए रात रे पेट्रोल क्या गिरे पेट्रोल पता है बोलिए कहाँ बोला दो मिनट रुक के बोला बोला दो पांच मिनट रुक जा हाँ और फिर तुम्हें घर नहीं चाहिए भेजो तू याद रखा बस अच्छा हाँ रू न लाई तरह हाँ अच्छा किसानों ताई बलिदान देने ताई है तो नहीं तू ये पाया। मुकेश को 90% जली हुई हालत में लाया गया था, अस्पताल में उसकी मौत हो गई। जिंदा जलाने का आरोप लगा है किसान आंदोलन से जुड़े चार लोगों पर। उसको लेके हॉस्पिटल आए, हॉस्पिटल में आने के बाद तो उसे मजाक में लिया, उनका वो यही बात चलाया कि मेरे को आग लगाई। आग किसने लगाई है? किशन नाम का बता रहा है, हर एक संदीप नाम बता रहे हैं, और थे उनका नाम नहीं बता पाया। ये है कौन, कहाँ के रहने वाले? किसान आंदोलन में बैठे हुए हैं सर। ये मुकेश का कुछ दिन पहले का वीडियो है जिसमें वो किसान आंदोलन के बारे में कुछ बातें करता दिखाई दे रहा है। दुकान है सरडा गांव में मेरी, हाँ रेती बजरी से मटकी हाँ, और पंडिता है मेरे काम है हाँ, और एक भी पंडित नहीं आता वहां से। नहीं आता। किसका आरक्षण है यो? अपना तो भैया का जमींदार का है ना, कह जाते हैं आप जमींदार को नहीं? अरे कह को मई समय यार, जब जमींदार सारे भाई सा। आरोप ये भी है कि मुकेश को बलिदान दिलाने के नाम पर जला दिया गया। है उन्होंने बोला है कि भाई तू सही दो जा, ये कर रहा है बहलाया फुसलाया है और खुद पेट्रोल डाला और फिर खुद जला दिया। अब हम ये चाह रहे हैं कि जो छोटा बच्चा है, कल किसी और के साथ ना हो, जो छोटा बच्चा है वो कम से कम सरकार उसका तो कुछ करे। इसी के बाद लोग सड़कों पर उतर आए, मुकेश के शव के साथ प्रदर्शन किया गया। कल मृतक के परिजनों ने करीब 1.5 घंटे तक दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। आरोप लग रहा है पिछले 10 दिन से मुकेश किसान आंदोलन में शामिल हो रहा था, लेकिन इसकी सजा उसे जिंदा जलाकर दी गई। मैं उड़ा मौके पर गया था, वो जलाया हुआ था 90% और उसके ऊपर लाल कामड़ उठ रहा था। मैंने देखा मगा भाई फटाफट गाड़ी मंगाओ, मैं उसने गाड़ी में ले गए सिविल हॉस्पिटल में आया तो उसने रास्ते में मेरे को बताया भाई हमने चारों आदमी और 5 आदमी थे, 4 वेराम हमने ड्रिंक करी, ड्रिंक करने के बाद हमारा झगड़ा हो गया, झगड़ा होने में ये 4 थे, मैं एक था, इन्होंने मेरे पर तेल घेर गए और आग लगा दी, जिसमें संदीप और कृष्ण का मैं नाम जानू और 2 अन्य का नाम नहीं जानता। पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि कसार गांव का रहने वाला मुकेश टीकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल हुआ था। इसी दौरान मुकेश ने 4 लोगों के साथ शराब पी, किसी बात पर झगड़ा हुआ, फिर झगड़े के बाद उस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई। पुलिस ने कृष्ण नाम के किसान को गिरफ्तार किया है। उनका जो स्टेटमेंट जो FIR लॉज करवाई उसमें वो कह रहे हैं कि इन्होंने तेल छिड़क के जो आंदोलन कर रहे हैं, तेल छिड़क के उनकी तेल छिड़क के आग लगा दी। तो अभी ये घात का विषय अभी FIR लॉज कर दी है और अभी हम पोस्टमार्टम करवा रहे हैं बोर्ड से, जो जो फैक्ट आएगा उसके हिसाब से फिर सारी इन्वेस्टिगेशन अभी।
एक आरोपी की पहचान जींद जिले के गांव रायचंद निवासी कृष्ण के रूप में हुई है। कृष्ण को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। उससे पूछताछ के आधार पर सबूत जुटाए जा रहे हैं। घटना स्थल के नजदीक पेट्रोल पंप से भी सीसीटीवी फुटेज जुटाने की तैयारी में पुलिस लगी है। दोषियों को सजा दिलाने के साथ साथ नाराज लोग किसानों को टीकरी बॉर्डर से हटाने की मांग कर रहे हैं। उनका सीधा सवाल है कि आंदोलन के नाम पर किसी को जिंदा जलाने को अधिकार माना जा सकता है? कि अपनी मांग के लिए सड़कों पर उतरने से सारे पाप माफ हो जाते हैं? वही किसान दिल्ली के बॉर्डर पर अब तक डटे। दूसरी तरफ हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर कल ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर दावा कर चुके हैं कि किसान आंदोलन हिंसक और अनैतिक हो चला है। टीकरी बॉर्डर पर मुकेश को जिंदा जलाने की घटना से आरोप लगाने का एक मौका और बढ़ गया। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने ट्विटर पर लिखा, पहले एक महिला के साथ बलात्कार और अब हत्या, ये आंदोलन नहीं ये अपराध है। वही किसान आंदोलन में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर भी बीजेपी हमलावर है। किसान नेता इसे गलत बता रहे हैं। चाहे वो बंगाल की युवती के साथ हुआ हो, चाहे एक विदेशी महिला के साथ छेड़खानी की बात आ रही है, और अभी अभी तो हमको जानकारी मिली है कि वहां इस प्रकार बहुत एक रूटीन का अड्डा भी बन गया है महिलाओं के साथ व्यभिचार का। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अपने वातावरण को खराब नहीं होने देना चाहते। मैंने ये सारी बात उनके सामने रखी है, उन्होंने आश्वासन दिलाया है कि जरूर इसके ऊपर कोई ना कोई विचार करके और आगे क्या कार्रवाई करनी है इसके बारे में बताया जाएगा। पता नहीं, हमारी नॉलेज में तो नहीं आया यहाँ पे कोई कि दुर्व्यवहार कहीं वहाँ पर हुआ है। कोई हुआ होगा तो वे बतावे, उसकी पूर्ण रूप से हम भी जांच करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एक महिला की वहाँ पे जो पहले एक जो घटना हुई थी उसकी पूर्ण रूप से रिपोर्ट दर्ज करवाई संयुक्त मोर्चे ने, और उसमें शायद एक या दो लोग अरेस्ट भी उसमें हुए। इससे पहले किसान आंदोलन 26 जनवरी को भी दागदार हुआ था, जब किसान आंदोलन में शामिल लोगों ने गणतंत्र दिवस के दिन देश की शान लाल किले में उपद्रव किया था। पुलिस के साथ मारपीट की गई, दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर दौड़ाए गए थे। कोरोना काल में आंदोलन जारी रखने पर भी सवाल हुए। आंदोलन में शामिल किसानों ने न मास्क पहने न ही सामाजिक दूरी का पालन किया। अब बात कृषि कानूनों पर अटकी हुई है। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे वो वहीं डटे रहेंगे। सरकार बातचीत को तैयार है लेकिन कानून वापस लेने के लिए नहीं। इसी मुद्दे पर टकराव बरकरार है। किसान आंदोलन को लेकर मामला भी और गर्माएगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।